Hello everyone, this is lecture number 3 of marginal costing. So, in the previous lecture, we have solved the questions related to two years, two periods are given. Whenever two years or two periods are given, we are using the formula for calculating PVR as change in profit divided by change in sales into 100. So, in this video, we are going to learn some of the new questions. किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है पी वी आर देन व्यू हैव टू कैल्कुलेट द सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये कुछ नया पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है एंड दट इज मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स

फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं गेटिंग द आंसर कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं या गेटिंग द आंसर एस प्रॉफिट ठीक है ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है बस यही फॉर्मेट के बेस पे आप काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिया है एट थाउजेंड तो मैं जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ फिक्स कॉस्ट दिया है एट थाउजेंड आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही लिख लेना फिक्स कॉस्ट इज वॉट फिक्स कॉस्ट इज एट थाउजेंड देखो सेलिंग प्राइस फोर्टी रुपीज पर यूनिट दे दिया है सेलिंग प्राइस फोर्टी रुपीज पर यूनिट है कोई दिक्कत को छोड़ देंगे फोर्टी रुपीज में ऊपर नहीं लिख सकता हूँ ब्रेक इवन सेल्स दिया है दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट दिया है आपको तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है बीपी ठीक है बीपी का फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर क्या होता है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर ठीक है तो अभी ध्यान से फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर करना है हमको हमको इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स जो है वो दिया है ब्रेक इवन सेल्स इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड दैट इज फोर्टी थाउजेंड देखो अभी मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं सबसे पहले हमें पी वी आर सोल्व करना है राइट पी वी आर का फॉर्मूला क्या है PVR का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड बट वी आर नॉट हैविंग तो अभी कैसे सॉल्व करना है इसको तो हम अभी बीपी के फॉर्मूला से पी आर पीवीआर ढूंढेंगे देखो बीईपी का फॉर्मूला क्या है बीपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर तो देखो आपको बीपी कितना दिया था बीपी आपको दिया था ब्रेक इवन सेल्स दिया था फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया है एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई पी वी आर पी वी आर परसेंटेज में आता है तो आपको पी वी आर मिल जाएगा पी वी आर इक्वल टू एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी थाउजेंड लेकिन पी वी आर परसेंटेज में आता है इसलिए इन टू हंड्रेड करेंगे हम दैट विल बी योर आंसर कम्स टू ट्वेंटी परसेंट पी वी आर का आंसर कितना मिला ट्वेंटी परसेंट तो देखो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीवीआर इज ट्वेंटी परसेंट ठीक है पीवीआर मिल गया ट्वेंटी परसेंट ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तो आपको ध्यान रखना है मैंने कैसे पीवीआर को कैलकुलेट किया है हमने कैलकुलेट किया बीईपी के फॉर्मूला से ही पीवीआर ढूंढ लिया मैंने कैसे बिकॉज पीवीआर का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स बट हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था इसलिए मैंने यहां पे कैलकुलेशन इस तरीके से किया कि बीपी हमको अवेलेबल था क्वेश्चन में तो बीपी के बेसिस पर हैव कैलकुलेटेड द पीवीआर नाउ एंड सिंस वी गॉट द पीवीआर थोड़ा सा क्वेश्चन अभी इजी बन जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये कुछ नया है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स देखेंगे क्या है पहले हम रिक्वायर्ड सेल्स ढूंढ लेते हैं रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर ठीक है प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है एक बार देख लेते हैं देखो प्रॉफिट क्वेश्चन में है यहाँ पे अवेलेबल थाउजेंड तो प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास टू थाउजेंड तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी वैल्यू अगर लिख लू थाउजेंड ठीक है जरूर आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट दे दिया टू थाउजेंड तो फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा फिक्स कॉस्ट एट थाउजेंड तो एम एट थाउजेंड प्लस प्रॉफिट इज इस डिवाइडेड by PVR कितना पी वी आर ट्वेंटी परसेंट तो हमें कितना मिल जाएगा टेन थाउजेंडिड बाई ट्वेंटी परसेंट रिक्वायर्ड सेल्टी था फिफ्टी थाउजेंड हमको रिक्वायर्ड सेल मिल चुका है फिफ्टी थाउजेंड हमारा रिक्वायर्ड सेल्स आ चुका है काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ध्यान से समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम रिक्वायर्ड सेल्स की बात करें तो हमको गया फिफ्टी थाउजेंड इसको अगर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था अगर यूनिट्स पूछते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स के जगह पे पूछते कि सेल्स इन यूनिट्स तो क्या था क्या करना है आपको को तो सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए क्या करना है फिफ्टी थाउजेंड को अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिवाइड करोगे या सेलिंग सेलिंग प्राइस का पर यूनिट दिया है क्वेश्चन में फोर्टी रुपीज़ देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमको क्वेश्चन में अवेलेबल है फोर्टी रुपीज़ पर यूनिट अगर उससे डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी मिल जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करके इंपॉर्टेंट तो कैलकुलेशन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो देखो अभी कैसे करना है अभी हमको ये फिफ्टी थाउजेंड मिल चुका है ठीक है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स बताता हूँ आपको किस तरीके से होगा अब एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यूल गेट दी आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो यूल गेट आंसर एज प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट है टू थाउजेंड यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है एट थाउजेंड अगर हम टू थाउजेंड में एट थाउजेंड प्लस करेंगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन का टेन थाउजेंड मिलेगा बराबर है टेन में से एट माइनस करोगे तो ही टू थाउजेंड आता है तो टू थाउजेंड में एट थाउजेंड प्लस करेंगे तो टेन थाउजेंड आएगा सेल्स हमने अब भी ढूंढ लिया है कितना था सेल्स हमारा फिफ्टी थाउजेंड तो सेल्स में से अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट को ही बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है, है यहाँ पे भी लिख के दिखाता हूं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डेट डी आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यूल गेट दंसर है प्रॉफिट टू थाउजेंड कॉस्ट एट थाउजेंड एट प्लस टू कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड का सेल्स मिल गया अभी फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे लिख दिया फिफ्टी थाउजेंड फिट्टी थाउजेंड में टेन थाउजेंड माइनस हो गया तो यूल गेट देंसर है 40, मार्जिन ऑफ सेल्स तो मार्जिन ऑफ सेल्स इज नथिंग बट इट इज द वेरिएबल कॉस्ट ओनली तो वेरिएबल कॉस्ट ही है मार्जिन ऑफ सेल्स आपको वो ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अभी आगे क्या पूछा है न्यू बीपी इन यूनिट्स इफ सेलिंग प्राइस इज सेट अगर नया बीपी ढूंढना है जब आपकी सेलिंग प्राइस रेड्यूस हो जाएगी देखो सेलिंग प्राइस थी पहले कितनी फोर्टी अभी डिक्रीज होने वाली है लेस डिक्रीज होगी कितने परसेंट से टेन परसेंट से तो फोर्टी का टेन परसेंट फोर हो जाएगा तो नई सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी थर्टी सिक्स नई सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी नया सेलिंग प्राइस थर्टी सिक्स बन जाएगा रिवाइज सेलिंग प्राइस ठीक है अभी हमें क्या ढूंढने बोल रहा है हमें ढूंढने बोला है बीपी यूनिट्स लेकिन आपको याद रखना है जब कभी भी आपको ऐसे बीपी पूछा जाएगा तब आपको रिवाइज कैलकुलेट करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है जो बच्चे गलत करते हैं और वो है आपको पीवीआर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा पीवीआर आपको कैलकुलेट करना ही है बिकॉज पीवीआर कैलकुलेट किए बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते पीवीआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंडिल यू कैलकुलेट द पीवीआर आर नॉट कैलकुलेट द अदर पॉइंट तो इसको अभी सॉल्व कैसे करें रिवाइज सेलिंग प्राइस तो हमें आ चुका है पीवीआर कैसे ढूंढते हैं तो पीवीआर का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड अभी हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं देखो अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना है फिलहाल है माइनस करेंगे अगर आपने पहले एक कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढ के निकाला है देखो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया था इधर नंबर ऑफ यूनिट्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं देखो कैसे कैलकुलेट करना है बताता हूँ यहाँ पे यूनिट्स ढूंढ के रखा है मैंने ठीक है ढूंढे वन टू फाइव जीरो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ध्यान से समझना इसको देखो फोर्टी थाउजेंड हमने सेलिंग प्राइस सेल्स हमारे फोर्टी थाउजेंड थे तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट किए थे वन टू फाइव जीरो तो अगर आप फोर्टी थाउजेंड को वन टू फाइव जीरो से डिवाइड करोगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट थर्टी टू ठीक है दिस इज वॉट दिस इज द सेल्स

बी पी यूनिट्स क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी फिक्स कॉस्ट एट थाउजेंड है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो अभी आपने ढूंढा है फोर का ठीक है तो एट थाउजेंड को अगर फोर से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट्स का आंसर दैट विल बी थाउजेंड यूनिट अगर हम यहाँ पे पी वी आर कैलकुलेट करें पी कैसे कैलकुलेट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू हंड्रेड तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था फोर डिड बाई रिवाइज कितना फोर डिवाइड बाई थर्टी सिक्स इंटू हंड्रेड करोगे तो दैट विल बी रिकरिंग फिगर इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट यह आपका पी वी आर है रिवाइज पी वी आर अगर हम बी पी रुपीज में भी सॉल्व करें बीपी रुपीज फार्मूला क्या बनेगा आपका बी पी रुपीज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी आर फिक्स कॉस्ट इज अच एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा सेवेंटी थाउजेंड ध्यान से सॉल्व करना रिकरिंग फिगर है तो कैसे लेना है एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय इलेवन पॉइंट इलेवन वन 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 पूरा कैलकुलेटर पे लेके फिर परसेंटेज दबाना कोई आ जाएगा फिर प्रॉफिट एट अ सेल ऑफ सिक्सटी थाउजेंड थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पॉइंट नंबर थ्री ध्यान से इसको सुने और ध्यान से सॉल्व करें प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस तो हाउ मच इज योर सेल्स योर सेल्स इज थाउजेंड, योर पीवीआर इज ट्वेंटी परसेंट ठीक है इलेवन पॉइंट इलेवन मत ले लेना पहले का जो है वही परसेंटेज हम लोग पी वी आर कितना फिक्स कॉस्ट कितना एट थाउजेंड सिक्स सिक्सटी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट ट्वेंटी परसेंट कितना आता है दैट कम्स टू ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड में से अगर आप एट थाउजेंड को करोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रॉफिट दिस वॉज द कैलकुलेशन हियर टू तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं फिर नंबर फॉलोइंग फिगर्स रिलेट प्रोफेसर धीरज इंडस्ट्री फिक्स ओवरहेड्स टू लैक फोर्टी वेरिएबल फोर लैक्स डायरेक्ट वेजेस थ्री लैक्स डायरेक्ट मटेरियल्स सेल्स ठीक है तीन ही चीजें कैलकुलेट करनी है लेकिन ध्यान से फॉर्मेट हमारा वही है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गेट कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गेट दॉिट ठीक है अभी आपको ध्यान रखना है अगर मैं सेल्स हमारा देखूल वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड इन तीनों को आपको एड करना है ध्यान से वेरिएबल so, कितना डायरेक्ट मटेरियल कितना एट लैक्स प्लस डायरेक्ट वेजेस कितना है थ्री लैक्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है फोर लैख तो कितना बन जाएगा फिफ्टीन वेरिएबल ,00 आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी लैक्स माइनस फिफ्टीन लैक्स फाइव लैक्स फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच फिक्स गिवन टू यूज फोर्टी थाउजेंड अगर आप टू लैख फोर्टी माइनस करोगे फाइव लैक्स में answer, 5, 40, so 3, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया हम तो पी वी आर ढूंढेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है फाइव लैक्स है चलो फॉर्मूला क्या है पीवीआर का पीवीआर इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड वॉज ऑवर कॉन्ट्रीब्यूशर कॉन्ट्रीब्यूशन फाइव लैक्स डिवाइडेड बाई सेल्स ट्वेंटी लैक्स टू हंड्रेड फाइव लैक्स डिड बाई ट्वेंटी लैक्स इन हंड्रेड पर पी वी आर विल ट्वेंटी हमारा पी वी आर कितना है हमारे ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर हम ढूंढेंगे बी पी यहाँ पे रुपीज़ में ही ढूंढ सकते हैं यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन और यूनिट क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी कितना था आपका फिक्स कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट कितना था दी आई क्वेश्चन में टू लैख फोर्टी फिक्स कॉस्ट इज लैक फोर्टी डिवाइडेड बाई पी इज फाइव परसेंट गेट आंसर इन रूप थाउजेंड नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड का हमारा टी आ चुका है आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टी और तब और फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस रेकी वन दोनों तरीके से बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो ठीक है प्रॉफिट देखो हमने सॉल्व कर लिया है एक बार वो चेक कर लेते हैं प्रॉफिट कितना है टू लैख सिक्सटी है ठीक है प्रॉफिट कितना है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड है डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना है पीवीआर हमने कैलकुलेट किया था ट्वेंटी परसेंट लैख सिक्सटी थाउजेंड को डिवाइड करो ट्वेंटी फाइव परसेंट से गेट दी आंसर इज टेन लाख थाउजेंड देखते हैं दूसरे फॉर्मूला से ये आता है एक्चुअल सेल ये हमारा एक्चुअल हमारा है ट्वेंटी लैख ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट तो ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर कितना मिला था नाइन लैख सिक्सटी हम माइनस करेंगे थ्री लैक्स में है पे भी आंसर मिलता है रुपी टेन लाख फोर्टी थाउजेंड एनी फॉर्मूला दोनों केस में आंसर सिमिलर आएगा तो एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इसको ट्राई करें ताकि ये भी लेवल आपका क्लियर हो जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले नए कंसेप्ट थैंक यू बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर